मैं कितना भी सनस्क्रीन लगा लूं, चाहे मैं घर में रहूं या घर से बाहर निकलूं, मुझे टैनिंग हो ही जाती है। उठा ले रे देवा। कितना भी प्रिकॉशन ले लूं, और जब टैनिंग हो जाती है तो उसको रिमूव करना इज रियली बिग डील, क्योंकि क्विक प्रोसेस तो कोई है ही नहीं टैन रिमूव करने का। अगर आप किसी ब्यूटिशियन को भी कॉन्टेक्ट करते हो ना, तो वो भी आपको बोलेगा कि 3-4 सिटिंग तो आपको लगेगी ही लगेगी। अब्बा नहीं मानेंगे। मैंने ये रागा का डी टैन पैक ट्राई किया है, मगर क्यों? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको 5 से 6 बार यूज कर रहे हो, तभी इसका कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा। डी टैन पैक विच इज सो अफोर्डेबल, बट स्टिल जब काम नहीं करता तो अफोर्डेबल ना हो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है। सो रिसेंटली आई हैव सीन दिस सेनफे का इंस्टा लाइट टैन रिमूवल वाइप ऑफ क्रीम, जो कि एक ग्लाइको क्लियर क्रीम है। आपको पता होगा कि जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन अप करने के लिए यूज किया जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग गुड, जिससे कि टैन जो है ना वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आई जस्ट रिसीव दिस बॉक्स, इसको मैं ओपन करूंगी आपके सामने और आपके सामने टेस्ट करूंगी 10 मिनट्स में कितना क्या विजिबल डिफरेंस नजर आता है। यार ये कितनी ऑसम है। और जैसा ही इंस्टाग्राम पे एड चल रहा है, एक पैच लगाते हैं उसके अराउंड ये क्रीम लगाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से आई एम गोइंग टू फॉलो इट। देखती हूँ वो एड कितना ज्यादा सच्चा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मेरे पास सिर्फ ये डबल साइडेड टेप है, रेगुलर टेप नहीं है, तो मैं इसी का यूज करूंगी। मस्त प्लान है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर, दिस इज द क्रीम। ये जस्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू डब्बा है, पहली बार खुल रहा है। सच्ची? सो दिस इज द क्रीम, ये बिल्कुल एक ब्लीच क्रीम की तरह लग रही है। आई विल टेक दिस। बोला गया है कि इसको आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है। अरे देवा। के क्रीम तो लग गई है पैच के साथ, अब हम वेट करेंगे 10 मिनट्स का एग्जैक्टली। One eternity later. So guys, 10 मिनट्स हो गए हैं एंड 10 मिनट्स के बाद इट्स लुकिंग लाइक दिस। थोड़ा सा जो भी क्रीम थी ना वो थोड़ी सी ऐसे फूल सी गई है, और अभी इसको मैं वाइप आउट करती हूँ इस वाइप से। Okay, so now it's time to remove this patch and it will decide कि मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चूतिया बनाया तुमको। मुझे तो पैच वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, कुछ खास डिफरेंस तो नहीं नजर आ रहा, तो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। No! आप सोच भी रहे हो ना कि ये आपको खरीदना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट एक बार, तो प्लीज सोचो भी मत। एड में तो कुछ भी दिखा देते हैं, चीटिंग करता है तो। उनको बस अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, राइट? तो इट्स बेटर कि आप पहले इधर उधर रिव्यूज देख लो और उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट को अप्रोच करो, अदरवाइज आपके पैसे भी हमारे पैसे जैसे खराब ही हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के पैसे वेस्ट नहीं होंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने गम के साथ गमगीन होने चली। ऐसा मत करो मेरी जान।